तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि HTML में क्लासेस और आईडी क्या होता है। तो आईडी और क्लासेस में बेसिक सा यही डिफरेंस है कि आप क्लासेस तब यूज करते हैं जब कोई भी एलिमेंट पर आप कोई भी स्टाइलिंग बार बार रिपीट करना चाहते हैं, लेकिन जब आईडी होता है वो किसी यूनिक एलिमेंट के लिए होता है। मान लीजिए आपके कोई भी वेबसाइट है, उसमें आपका एक ही टाइटल होगा, तो आप वहाँ पे आईडी का यूज करेंगे, या फिर आप क्लास का भी वहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आईडी यूज करने से आपका जो एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट होगा वो थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो आपको आईडी को बार बार यूज नहीं करना, सिर्फ एक ही एलिमेंट में यूज करना है। तो यही बेसिक सा डिफरेंस था। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि क्लासेस और आईडी का हम लोग यूज कैसे करेंगे अपने कोड में। तो उसके लिए आपको कोई भी टैग लेना है, जैसे मैं ये H1 टैग है, उसके अंदर एक क्लास आपको एट्रीब्यूट खोलना है, उसके अंदर आपको जो भी CSS का आपने पहले से लिख रखा है, तो मैंने यहाँ पे देखिए टाइटल नाम से एक बना रखा है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, टाइटल हम लिख देते हैं और यहाँ जैसे ही सेव करेंगे तो देखिए इस पर अप्लाई हो गया। और एक चीज़ है कि आप जो क्लासेस उसमें मल्टीपल क्लासेस एक साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये बॉर्डर क्लास है, ठीक है, अब मैं इसे का यूज इस पर करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके साथ बॉर्डर और इसे ऐसे सेव करूंगा तो देखिए इसका बॉर्डर चेंज हो गया। या फिर आप जैसे इसमें मैं पैराग्राफ में बॉर्डर अप देता हूँ, ठीक है, तो बॉर्डर बॉर्डर तो बॉर्डर इस पर आ गया। तो इस तरीके से आप क्लासेस का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आईडी को कैसे यूज करना। तो आईडी भी यूज करना काफी आसान है, लेकिन आईडी आपका सिंगल ही यूज होता है। तो मान लीजिए इस पर मैं आईडी दे देता हूँ और यहाँ पे मैंने आईडी टाइटल से बना रखा है, तो मैं उसी को टाइप कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। तो देखिए आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए एक बॉर्डर नाम से मैंने यहाँ पे आईडी बनाया है, तो अगर मैं इसमें अप्लाई करूंगा तो वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। देखिए कुछ वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक बार में एक ही होगा। तो आईडी का यही है कि आपको जो भी बनाएंगे एक फाइल में एक ही वर्क करेगा। जैसे कि क्लासेस के केस में है कि आपका मल्टीपल क्लासेस आप लगा सकते हैं, लेकिन आपका आईडी वो सिंगल है। तो आप ऐसा एलिमेंट को चुनिएगा अगर आपके कोड में वो एक से दो बार रिपीट हो रहा है, जैसे नैव बार हो गया, नेविगेशन बार हो गया, तो उसमें आप आईडी का यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई बटन है तो उसमें कोई आईडी यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि वो बटन काफी जगह पे यूज होता है। तो वहाँ आप क्लासेस का यूज करिएगा, और आईडी और क्लासेस का यूज करके आप जावास्क्रिप्ट के जरिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट को यहाँ पे कंट्रोल भी कर पाते हैं। तो चलिए अब हम क्विक रिकैप ले लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि क्लासेस और आईडी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो क्लासेस यहाँ पे आप मल्टीपल बार यूज कर सकते हैं, लेकिन आईडी आप किसी एलिमेंट में सिर्फ एक ही बार यूज सकते हैं। और आईडी का जो यूज है आप किसी भी एलिमेंट में जावास्क्रिप्ट को इनेबल करने के लिए यूज कर सकते हो। मैं जावास्क्रिप्ट इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।